अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से प्रेशर कुकर में बनाएंगे एकदम खिला खिला मटन पुलाव, और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी मटन पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मटन को अच्छी तरह से वॉश किया है और उसको प्रेशर कुकर में डाल लिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 3 गिलास में पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 2-2 चम्मच धनिया, साबुत धनिया और सौंफ ली है मैंने 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही मैंने धनिया लिया है। इसको वॉश करके मैंने यहाँ ऐड किया है। 2 तेज़पत्ता साथ में हम डालेंगे इसमें, ये सारा गरम मसाला, 3 छोटी इलायची, 1 आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची जिसको मैंने क्रश करके ऐड किया है, और यहाँ पर मैंने 4 लौंग ली हैं, 4 से 5 लौंग, और 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा। ये सब हम यखनी बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे यखनी बना रहे हैं इसकी। 4 सूखी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च भी यहाँ पे डाल सकते हैं, 4 से 5। 1 छोटी चम्मच हम यहाँ डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो साबुत लहसुन की डली आप वो ऐड कर लें वॉश करके, और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक मैंने काट के डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे 6 से 7। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच नमक डाला था। अब मैंने इसमें 6 विसल लगा ली हैं। 6 विसल लगाने के बाद हम मटन को अलग कर लेंगे। मेरे प्रेशर कुकर में 6 विसल में मटन गलता है, आपके प्रेशर कुकर में जितने विसल में गलता हो उतनी विसल लगा लें आप। इसमें मटन के पीसेस को अलग कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे। उसके बाद हम तकरीबन 1/2 कप ऑयल लेंगे, उसको अच्छी तरह से गरम करेंगे। थोड़े से साबुत गरम मसाले जिसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, लौंग 3 से 4, और यहाँ पे मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है क्योंकि हमने यखनी में प्याज नहीं डाली थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्याज ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो 1 मीडियम साइज़ की प्याज यखनी के अंदर भी डाल सकते हैं और 1 आप फ्राई करते हुए डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इनको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हो गई है थोड़ी सी ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पर चलाते हुए 1 से 2 मिनट हम इसे भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है 4-5, और उनको अच्छी तरह से वॉश करके बीच में से कट करके मैं इसको इसी तरह से साबुत ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर चलाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च को पीस के मैंने पेस्ट बनाया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया था इसके अंदर, तो इसको हम पीस के पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी खाना है तो हरी मिर्च को भी आप टमाटर के साथ पीस सकते हैं। अब इस टमाटर के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून नहीं जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। मटन ऐड करके हम मटन को भी अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए टमाटर का पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। अब हमने जो मटन के पीसेस निकाले थे वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर, और अच्छी तरह से हम इसे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे मटन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा दही। तकरीबन 1/2 कप मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है। दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको भूनेंगे। जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम दही को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। दही डालने के बाद आपको कंटिन्यू से चलाना है थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए दही को हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया है, दही का जो पानी था बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो हमने यखनी बनाई थी वो पानी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास के करीब पानी लिया था, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और इसके बाद मैं 1 गिलास पानी और इसमें ऐड कर रही हूँ।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला हो तो आप बिरयानी मसाला ऐड करें, अगर नहीं है तो आप सादा गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच भर के यहाँ पे हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके मिला लेंगे इसे, और उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए थे 2 ग्लास राइस और उसको पानी में सोक कर दिया था अच्छी तरह से वॉश करके, तो मैं वो 2 ग्लास राइस इसके अंदर ऐड कर लूँगी। राइस हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप इसमें नमक भी टेस्ट कर लें एक बार, नमक अगर आपको सही लगता है तो आप इसमें नमक ऐड ना करें, अगर कम लगता है तो नमक ऐड कर लें। तो नमक मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बॉईल करूँगी, मैं इसे ओपन करके ही पका रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो अब हम इसको थोड़ा सा ढक के रख देंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होता, मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पकने देंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी, और लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने के बाद हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, और 10 उसके बाद जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। थोड़ी बहुत इसमें प्रेशर रहता है वो मैंने निकाल लिया है। अब ये देखिए हमारे जो राइस हैं बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, एकदम खिले खिले बने हैं, और हमारा जो मटन पुलाव है बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो प्रेशर कुकर में आप इस तरह से एकदम खिला खिला मटन पुलाव बना सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही खिला खिला हमारा मटन पुलाव बना हुआ है, एकदम सारे राइस अलग अलग है, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप मटन पुलाव प्रेशर कुकर में भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।